तो जब से गेम आया है मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत सारे प्लेयर्स इसे खेल नहीं पा रहे हैं बिकॉज उनका डिवाइस बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। तो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो आप लोगों के पास भी कोई लो एंड डिवाइस होगा उसमें से थोड़ा ऊपर 6-8 GB रैम वाले डिवाइस होंगे बट लैग सबों पे कर रहा है। तो इस वीडियो में आप लोग कुछ पॉइंट्स बताऊंगा एंड कुछ टिप्स बताऊंगा लैगों को कम करने के लिए। अगर आप लोग ये सारी चीज फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग का जितना अभी लैग होता है इससे बहुत ज्यादा कम लैग होगा गेम पे। तो पहले ये समझो गेम एक फोन के अंदर किसके हेल्प से रन होता है। तो गेम को जो रन करता है एक फोन पे वो होता है प्रोसेसर। तो आपका प्रोसेसर ही आपके गेम को रन करता है एंड जब आपका प्रोसेसर उसका मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं दे पाता किसी रीजन के चलते तब वो फोन लैग होना स्टार्ट हो जाता है एंड गेम आपका लैग करता है। एंड इसके बाद अगर आप लोग एक चीज़ देखोगे किसी का प्रोसेसर भी बहुत सही है एंड उसका न्यू डिवाइस है फिर भी उसका गेम थोड़ा लैगी लैगी से चलता है वो होता है FPS के चलते, कि जिसका FPS जितना ज़्यादा होगा उसका गेम उतना ही स्मूथली रन करेगा। जैसे फोन पे आता है 60, 40, 20 FPS, अभी 90 भी आता है बट अभी तो 90 गेम पे चल नहीं रहा है। तो जब 60 FPS होता है तब आपका गेम बहुत ही स्मूथली चलता है, 40 होता है तो उसे थोड़ा लैग करता है एंड 20 होता है तो बहुत ज़्यादा लैग करता है। अभी समझो किसी का 60 FPS का डिवाइस है एंड उसका प्रोसेसर उसका मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं दे पा रहा क्योंकि डिस्प्ले का 60 FPS हुआ तो उसको FPS कोई भी रन करेगा उसको मैनेज करेगा प्रोसेसर। तो समझो आपका प्रोसेसर हीटअप हो गया, आपका प्रोसेसर काम नहीं कर रहा सही से, फिर आपका डिस्प्ले भी 60 FPS है फिर भी ये वो FPS ड्रॉप होकर फ्लक्चुएट होकर 40 पे आ जाएगा फिर भी आपका गेम लैग करेगा अगर आपका 60 FPS डिवाइस हुआ फिर भी। तो उसके लिए ये समझो कि आपके प्रोसेसर को बिल्कुल मैक्सिमम कैपेसिटी पे कैसे रन किया जाए उस पे कोई प्रेशर ना पड़े। तो प्रोसेसर पे प्रेशर पड़ने का सबसे जो अभी मेजर एंड कॉमन रीजन है जो सबों पे होता है वो होता है हीटअप का। ये हीटअप के प्रॉब्लम से तो आईफोन भी लैग कर जाता है। तो अब हीट दो टाइप से होता है, एक फोन के अंदर से एक हीट निकलता है एंड बाहर एक हीटिंग होता है। तो फोन के अंदर जो हीटिंग होते हैं वो तो जब प्रोसेसर रन करता है एंड बैटरी कंज्यूम करता है तो प्रोसेसर एंड बैटरी दोनों मिलकर फोन के अंदर एक हीट प्रोड्यूस करते हैं। एंड अगर आपका बाहर भी मतलब बाहर जहाँ बैठ कर आप गेम खेल रहे हो उधर भी बहुत गर्मी हुआ तो दोनों मिलकर फोन को बहुत गर्म कर देता है तो आपका प्रोसेसर सही से रन नहीं कर पाता। तो अंदर के हीट को तो अभी आप कंट्रोल नहीं कर सकते बट आप बाहर के हीट को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे जब आप सनलाइट पे बैठ के गेम खेलते हो तो अब आपका फोन तो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है उसके बाद फोन लैग भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग एक चीज़ हमेशा वो कर इंश्योर करना कि जब आप जहाँ रूम पे बैठ के गेम खेल रहे हो रूम अगर बहुत ज़्यादा हीट हुआ तो कभी भी ऐसे बैठ के गेम मत खेलो, उधर कहीं फ़ैन ऑन कर दो, फैन के नीचे बैठ के गेम खेलो अगर आप पे एसी नहीं है तो। एंड फिर अगर सबसे बढ़िया होगा कि अगर आप एसी पे बैठ के गेम खेलोगे तो, बट अगर आप पे एसी नहीं है तो आप फैन के नीचे बैठ के गेम खेलो। एंड आप लोग अगर चाहते हो फोन को और ज़्यादा कोल्ड रखना तो एक टेबल फ़ैन होता है जो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे बहुत ईजिली मिल जाएगा, आप उसको खरीद सकते हो। एंड एक फ़ोन के लिए भी कोई एक्सेसरीज आता है जो आप फोन पे लगा दोगे उसके फ़ैन चलेगा, मैं वो कभी ट्राई नहीं किया बट उससे अच्छा होगा अगर आप एक टेबल फैन खरीद लो फोन के लिए अलग से। तो फैन बिल्कुल छोटा सा होता है तो जिस टाइम आप गेम खेलते होगे तो टेबल पे या फिर बेड पे उस फैन को फोन के आगे रख के उसको ऑन कर दो एंड उसके सामने फोन को रख के गेम खेलो तो उसका हवा फोन पे लगेगा एंड वो फोन को ज्यादा हीटअप होने नहीं देगा तो फोन का टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। एंड गाइस बैटरी भी हीट प्रोड्यूस करता है। तो जब आप गेम खेल रहे होगे बहुत सारे लोग फोन को चार्जिंग पे लगा के गेम खेलते होगे तो ये बिल्कुल भी मत करना अगर फोन को चार्जिंग पे लगा के गेम खेल रहे हो तो, क्योंकि उस टाइम बैटरी भी हीट होता है एंड फोन के ऊपर एक बहुत ज्यादा वो प्रेशर पड़ता है तो उसके लिए आपका बैटरी भी डैमेज हो सकता है बैटरी का हेल्थ। तो फोन को चार्जिंग पे लगा के गेम मत खेलना तो फोन बहुत ज्यादा हीटअप होएगा। एंड और कुछ चीज है जो फोन को बहुत ज्यादा हीटअप करता है, अगर आप लोग ब्राइटनेस को बिल्कुल 100% पे रख के गेम खेलते हो तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि वो फोन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है बैटरी पे तो बैटरी का ज्यादा हेल्थ कंज्यूम होता है तो उस पर आपका फोन क्या होगा ज्यादा हीट होगा। और एक चीज जो अभी के फोन पे आता है परफॉर्मेंस मोड, इसको आप लोग गेम खेलते टाइम ऑन कर देना। किसी फोन पे परफॉर्मेंस मोड रहता है, किसी फोन पे गेमिंग मोड रहता है, किसी फोन पे प्रो मोड रहता है, तो इसको आप लोग हमेशा प्रो मोड या फिर परफॉर्मेंस इस पे ही रखना। तो इससे क्या होगा जितने पावर आपको गेम को चाहिए वो इतना पावर देगा एंड उससे हीटअप थोड़ा ज्यादा होता है तो जब आप ये ट्राई करो तो आप फैन के नीचे या फिर सामने फैन लगा के जरूर खेलना। तो जब आप लोग परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर देते हो तो अब क्या होता है आपका फोन आपके प्रोसेसर को अलाउ करता है उसका 100% कैपेसिटी यूज करने को तो उस टाइम आपका फोन इतना लैग नहीं होता क्योंकि आपका जो फोन है उसका प्रोसेसर है वो 100% कैपेसिटी यूज कर पाता है। एंड गाइस नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर आप लोग लॉन्ग टाइम बैठ के गेमिंग करते हो तो आप लोग हमेशा अपने फोन को रेस्ट दिया करना क्योंकि आप लोग नोटिस करोगे जब आप लोग फर्स्ट मैच लगाते हो तब फोन इतना लैग नहीं होता था, वो सही चल जाता है फर्स्ट एक दो मैचेस, फिर फोर्थ फिफ्थ मैच के बाद गेम लैग होना स्टार्ट होता है। वो क्यों होता है, आपका प्रोसेसर जो है वो कंटिन्यूसली रन करता है तो वो सही से काम नहीं कर पाता। तो अगर आप लोग 4-5 hours गेम को खेल रहे हो एक टाइम पे तो उसके बीच में 20-50 minutes गेम को रेस्ट दिया करना तो आपका प्रोसेसर बिल्कुल सही से काम कर पाएगा तो आपका फोन इतना लैग नहीं होगा। एंड गाइस नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोग माइंड पर रखना है कि आप लोग जिस फोन पे गेम खेल रहे हो उस फोन पे हमेशा
40-50% स्पेस खाली हो। बहुत लोग क्या करते हैं, फ़ोन को बिल्कुल भर के रखते हैं। अगर आप लोग गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कुछ भी फालतू के ऐप्स है फ़ोन पे, तो अगर आप लोग बिल्कुल 80-90% फ़ोन को भर के रखोगे, उसका इंटरनल जो स्पेस होता है, जो आपका होता है 64GB 128GB जितना भी होता है, तो आपका गेम सही से रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको फ़ोन को खाली स्पेस चाहिए होता है। तो अगर आप भर के रखोगे तो आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग करेगा, लैगी होगा। तो आप लोग हमेशा ये माइंड पे रखना कि आप लोग फ़ोन का जो स्पेस होता है उसको खाली रखो, जितना हो सकता है उतना खाली रखो। जो फालतू के ऐप्स होते हैं उसको डिलीट कर दो। अगर गेम प्ले रिकॉर्ड करते हो जो गेम प्ले काम के नहीं है, जैसे मैं फ़ोन पे भर के रखता हूँ, तो वो बिल्कुल डिलीट कर देना, फ़ोन पे मत रखना, तो आपका फ़ोन खाली रहेगा एंड आपका फ़ोन सही से काम कर पाएगा। तो ये सब तो हो गई फ़ोन के बाद, अभी मैं आप लोगों को गेम के इंटरनल सेटिंग पे लेके चलता हूँ, उधर आपको कैसा सेटिंग रखना है जिससे आपका गेम सबसे कम लैग हो। तो आपके गेम के सेटिंग पे लेके चलते हैं। तो गेम पे जो सेटिंग पे ग्राफिक्स का सेटिंग है उसको आपको स्मूथ पे रखना है, एंड जो FPS का सेटिंग होता है उसको एक्सट्रीम पे रखना है, जो 60 FPS देता है, एंड कलरफुल पे रखना है, एंड एंटीअलाइजिंग उसको ऑफ रखना है, क्योंकि उसको अगर आप 2x पे रखोगे तो उस पर क्या होता है, चीज़ों को ज़्यादा HD से रेंडर करते, दूर की चीज़ों को भी अच्छे से रेंडर करते, तो उससे फ़ोन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसको क्लोज रखना। एंड बाकी सब सेटिंग आप देख सकते हो, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं लगता, वो आपको ग्राफिक्स एंड FPS को ही उस पे सेट कर देना है जैसा मैंने बोला, तो आपका गेम सबसे कम लैग होगा। तो ये तो होगी गेम की सेटिंग की बात, जो आप लोग रख सकते हो सबसे कम लैग के लिए। एंड जो आपका फ़ोन है उसको आपको वीक पे एक बार उसको रीस्टार्ट करना ही हो, ताकि उसको रैम पे जो चल रहा है बैकग्राउंड पे वो पूरा रिफ्रेश हो जाए। तो वीक में 1-2 बार उसको रीस्टार्ट कर देना, ताकि पूरा रिफ्रेश हो जाए, सही से चले आपका फ़ोन। एंड गाइस और एक चीज़ दिमाग पे रखना, अभी बहुत चल रहा है कि ये GFX टूल लगा लो या फिर ये जो आपका कॉन्फ़िग फाइल होता है ये लगा लो। ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई GFX टूल, कोई थर्ड पार्टी ऐप या फिर कोई कॉन्फ़िग फाइल। पहली बात तो इससे आपका ID बैन होने का चांसेस है, PUBG वाले इसको नहीं रिकमेंड करते। एंड दूसरी बात, ये आपके फ़ोन को प्रेशराइज करता है उसका स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। समझ लो आपका फ़ोन फ्लैक्चुएट कर रहा है, उसका FPS वो फ्लैक्चुएट क्यों करता है, क्योंकि आपके फ़ोन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो उसको वो फ्लैक्चुएट नहीं करने देता, वो पकड़ के रखता है, तो उसके लिए आपके फ़ोन पे बहुत प्रेशर पड़ता है, तो उससे आपका फ़ोन का बैटरी भी डैमेज हो सकता है एंड प्रोसेसर भी लो हो सकता है बाद में, तो इससे फ़ोन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये मत ही यूज़ करना कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी हेल्पफुल लगा, तो लाइक कर देना एंड वीडियो को उस दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनका भी सेम लैग रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कि आप लोग कौन से डिवाइस पे खेलते हो, एंड ये सब चीज़ ट्राई करके सब चीज़ माइंड पे रख के आपका लैग कम हुआ है कि नहीं। एंड कमेंट में ये भी बताना कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए, तो मेरा थोड़ा हेल्प होगा वीडियो बनाने के लिए, आप लोग का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो मैं बोलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइज़।